तो पहली बार हमारे अंबाला में एक गढ़वाली मूवी लग रही थी जिसका नाम था म्यारगांव। तो मैं अपनी दादी और बहन के साथ इसे देखने जा रहा था एंड इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों से भी इस मूवी के बारे में रिव्यू ले लिया जाए और मैं अपने काम पे लग गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे सारे अब लाइनों के लिए भी लड़ रहे हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, जय माता दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मिलोपुर गांव नहीं छोड़ रहा, यो मेरू गांव जाए और मिले दे कभी नहीं छोड़ा। तो अभी अभी जस्ट फिल्म खत्म हुई है एंड अभी हम थोड़ा बहुत लोगों से रिव्यू लेंगे कि उनको फिल्म कैसी लगा एंड देखते हैं लोग इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। आपको कैसी लगी मैडम? बहुत अच्छी लगी। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। आप फिल्म देखकर आए? बताया, मैंने भी देखी। ठीक है, आप थोड़ा अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है। इसके कुछ खास खास चीजें जो आपको अच्छी लगने में? एक तो इसमें जो एड दे रखी है वो गढ़वाली संस्कृत पर होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना, जैसे फ्रूट है और जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ जी, उसमें जो है इसकी ऐड होनी चाहिए। हाँ जी। पलायन रोकने के लिए क्या क्या हम और चीजें कर सकते हैं? उत्तराखंड में जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, ऑलरेडी स्कूल भी हो जाएगी, इससे मतलब पलायन रुकेगा हमारा। नमस्कार मैडम जी। तो आपने फिल्म कहने लगी पहले ही बताइए। बहुत अच्छी लगी। ऐसी और फिल्म आप थिएटर में देखना चाहोगे? हाँ चाहेंगे, ऐसी होगी तो ऐसी होगी तभी चाहेंगे देखना। अच्छी लगी फिल्म, तो बहुत अच्छी थी। एंड इसमें से आपको बेस्ट मोमेंट कौन कौन से? हमको तो सारे अच्छा लगा, हमारे गढ़वाल का था तो सारे ही। बेस्ट एक्टर कौन से लगा? फर्स्ट इसमें से आपका बेस्ट एक्टर कौन सा लगा? मेरे को तो चीनी बड़ी मस्त लगी थी। अच्छी लगी, हमको भी वही अच्छी लगी। आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन थी? चीनी। आपके पास कोई विचार है कि रोक सके पलायन? जाना चाहिए साल एक बार अपने गढ़वाल में। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी हमको तो, बहुत अच्छी लगी बेटा। हम तो लग रहा कि हम गाय चले जाए आप। हाँ, यहाँ सो गए, गाय चले जाए। बहुत अच्छा लगा, घर पे हमने वहाँ बना दिया, अभी तैयारी हो रही थी पूरा पहाड़ जाने के लिए। और इतना अच्छा लगा वो बोला, पूरा मन भर के आ गया हमारा, रोने का मन कर रहा है। मतलब गाँव में रह रखी? हाँ गाँव में रहे। जाओ मैं बदली बदल अब मालम चो। तो गाँव में जाना अच्छा लगता है, हम बना जाना अच्छा लगता है। अरे बाबू गढ़वाल में अच्छा लगो चाय पर गढ़वाल बहुत अच्छी लगी। ऐसी और देखना चाहो? अच्छी लगी मुझे। जैसे हम देख सकते हैं इतने जबरदस्त तरीके से लोग का रिस्पांस आ रहा है, ये मूवी पहले ही दिन पूरी की पूरी हाउसफुल रही है एंड ऐसी और भी हाउसफुल जाएंगी मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही होने वाला है। सर आप बताइए आपको फिल्म कैसी लगी? हमें जो है फिल्म बहुत अच्छी लगी। ऐसी फिल्में जो है बननी चाहिए जिससे कि जो उत्तराखंड की वर्तमान समस्याएं हैं, क्योंकि कोई भी फिल्मकार जब फिल्म बनाता है तो अपने समाज की और उसके इर्द गिर्द जो समस्याएं होती हैं, जो वातावरण होता है और जो समस्याएं होती हैं उनको वो समाज के सामने लाता है। देखो जी, हमें तो शुरू से ही जो है ना हर सीन जो है अच्छा लगा, क्योंकि गढ़वाल का जो आज विनाश हो रहा है, जो हमारी धरती, जो हमारे मकान उजड़ रहे हैं और वहाँ का पलायन हो चुका है, वहाँ पलायन तो इस माध्यम से हो सकता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हम लोग तो जो है हमारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो जागरूक हो। आपको फिल्म में सबसे बेस्ट कौन सी चीज लगी और आप क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? यही जो है ना सबसे बेस्ट चीज, अपनी जो है ना जो भाषा है वो हमें कायम रखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हमारे लोगों की जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? प्लान के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं कर रही है। एक भी पूछिए हमारे को, जहाँ वो हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज नज़दीक हो, वहाँ पर सुविधाएं हो। अब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जो है ना कोई बीमार पड़ता है, उसको 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है, और किसी टाइम ये होता है कि ले जाने के लिए कोई साधन भी नहीं होता है। तो उस साधन के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तब जाकर के वहाँ का प्लान रुकेगा। और हम तो उस जन्मभूमि में जन्मे हैं, हमने सब ये खेती बाड़ी जो आज फिल्म में दिखाया है वो हमने सब अपने हाथों से कर रखा है, और गेहूं भी बो रखे हैं, धान भी लगा रखे हैं, मंडुआ भी बो रखा है, खाया भी है, सब कुछ कर रखा है, गोबर भी सिर में उठाया हुआ है, हल भी सिर में उठाया हुआ है। लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए वहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, उसके लिए उनके लिए कुछ सबसे मेन तो है कि वहाँ पर ये बच्चे ये कहते हैं कि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, कोई कॉलेज स्कूल कॉलेज नज़दीक नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा ये मूवी बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है, पहले ही दिन इसका हाउसफुल रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद।